सर 42 45। अच्छा सॉल्व राइट सिंपल इंटरेस्ट देखिए। ओके आपका सिंपल इंटरेस्ट देखिए बी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ओके आपण तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणन हार गुणन समय बी इंटू आर इंटू टी बाय 100। मूलधन है 300 ओए बात मत करो। रेट है तुम्हारा 5%। समय तुम्हारा 3 वर्ष बाय 100। लास्ट दुटा जीरो कटिज। ये 3 5 15 3 × 5 = 15 × 3 दैट इज 45 आंसर लॉक किया जाए। ओके योर ऑप्शन डी 45 रुपीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सिंपल इंटरेस्ट। ओके सिंपल इंटरेस्ट निकालना दैट इज बी इंटू आर इंटू टी बाय 100। आपका प्रिंसिपल है 400 रुपया। रेट है 6% टाइम है आपका 4 इयर्स बाय 100। लास्ट दो जीरो कट 4 6 24 ओए लास्ट दो जीरो कट क्यों चिल्ला रहे 4 6 24 × 4 देखे 4 6 24 × 4 ये आपका 4 4 16 1 4 2 8 4 2 8 + 1 96 रुपीज। ओके 4 4 16 छः रख के 1 4 2 8 + 1 96 आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ देख रहे यहाँ पर अमाउंट निकालना है। अमाउंट पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने बाद अमाउंट का फॉर्मूला होगा आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आएगा। जिसका नेट प्रॉब्लम है सुनिए पहले आप ओए कौन चिल्ला रहा है कुछ मत उसको साइलेंस में बैठो। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आएगा पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट आने बाद अमाउंट निकालोगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है। आपका प्रिंसिपल है 5 रुपया धार दिए थे सर। रेट है 4% सर, सर। ओके रुको कुछ मत बोलो। ओके देखो हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है। ओके पहले एस आई निकालो सिंपल इंटरेस्ट निकालो पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ओके ये समूह शुद्ध काढ़ अच्छी। ओके बाय 100 2 0 2 0 कट 5 4 20 × 4 5 4 20 × 4 80। ओके देन आप समूह शुद्ध काढ़ अच्छे अमाउंट जो धार दिए थे उसको कितना रुपया धार दिए थे 5 रुपया दिए थे प्रिंसिपल मूलधन दे तार इंटरेस्ट कितना आसला 80 रुपीज। ओके सुध 80 टाँग आसला 580 टाँग ताठू नब। ओके तुम 500 टाँग देते लो तार सुध 80 580 टाँग कलेक्शन करियो। ओके 580 आपका ऑप्शन बी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 4 नंबर देखो। हम लोग का शाम को प्रिंसिपल बोलते हैं। ये जो शाम है प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल दिया है 600। ओके 600 ओके क्वेश्चन में व्हाट इज द अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला है एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो पहला आप एसआई निकालिए सिंपल इंटरेस्ट निकालिए तो सिंपल इंटरेस्ट और ये प्लस प्रिंसिपल मिला के आपका अमाउंट आएगा। हमें अमाउंट फाइंड करना है तो पहले आपका एस आई निकालिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल सौड़ा शुद्ध काटो। यह आया पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ओके प्रिंसिपल तो 600 टाँग देखे 600 टाँग धार दे थो कतटा हार रे हार है तोर 500 टाँग 500 टाँग मैंने 100 टाँग 5 टाँग। ओके ये 5% टाइम कते वर्ष दे 2 इयर्स को दे। ओके 2 इयर्स को 2 वर्ष को धार दिया। ओके तो ये बाय 100 हमें समूह शुद्ध ये दो जीरो कटिज 6 5 30 × 2 दैट इज 60। ओके ये कौन है बदमाशी कह रहे ये उसको उड़ा देते रुको वो लड़का फिर से आया बदमाशी के। सुनो हमें चाहिए बच्चों अमाउंट चाहिए
देखो हमें सिंपली टेस्ट निकाला, हमें अमाउंट पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द अमाउंट, पूछा है कि अमाउंट कितना होगा. ओके तो अमाउंट बच्चा हमें फाइंड करना है, दैट इज एस आई प्लस, ये आपका एस आई प्लस ये, तो आपका सिंपली टेस्ट है कितना 60, और प्रिंसिपल है उसको कितने रुपये धार दिए थे, इंटरेस्ट तो आया इतना 600 रुपये धार दिए थे. ओके आपका सिंपली टेस्ट कितना आया, तो 660 आपका अमाउंट आएगा. ओके ये इजी क्वेश्चन था, तुम लोग कर नहीं पाए. ओके इतना रुपीज हुआ, ठीक है, तो 660 आपका ऑप्शन डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द सिंपली टेस्ट निकालेंगे, एसआई निकालेंगे. देखो एसआई का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100. ओके आपका प्रिंसिपल है ये 1000, स्कूल माने कौन माने तो वो जाकू धार दिया आला जितना, तो अमाउंट मूलधन प्रिंसिपल है मूलधन, तो हमें जाकू टंका देलो धार देलो 1000 टंका सेटा ला मूलधन प्रिंसिपल, सम भी बोलते हैं. एटा हारो रेट, रेट तुम्हार हारो फाइव, ये हार देचे केते 5%, 5% माने 100 को 5 टंका, 100 को 5 टंका तुम्हें ये रे देलो धार 73 डेज, आपको ईयर बनेयो 73 डेज, सुनिए 73 डेज को ईयर बनाओगे ताको वर्ष रे कन्वर्ट करियो डिवाइड बाय 365, यदि मास थिबो ताको वर्ष रे कन्वर्ट करियो डिवाइड बाय 12, जे रे मंथ दे थिबो डिवाइड बाय 12 करियो, ଯଦି ଏଇଟା ଡେଜ୍ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଇୟର କରିବ 73/365, ଠିକ୍ ଅଛି. ଏଇଟା ଇଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତୁମର ମୂଳଧନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲ 1000 ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥିଲ, ଇଏ 5% ହାର ଏଗାନି 73 ଡେଜ୍. ଓକେ ଦେଖ ଇଏ 2-0, 2-0 କଟ. ଓକେ 2-0, 2-0 କଟ ହୁଆ ଉସକୋ ଦେଖ କାମ କିଜିଏ 5 ମେ କାଟ କିଜିଏ, ଇଏ 5 1 5 5 7 35 36 ମେ 35 ଯାଏଗା 36 ରୁ 35 ଯିବ, 36 ରୁ 35 ହେଲେ 1 1 5 15, 5 3 15, ଫିର୍ସେ ବୋଲ ଆଉ 5 1 5 ଇସ୍କୋ ଇଏ 5 ମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରେ ତ ଇସ୍କୋ 5 ମେ 5 7 35 36 ମେ 35 ଜାନ ସେ 1 1 5 15 5 5 3 15 ଦେନ ତୋର 73 ଆଉ 73 କଟିଯିବ. ଓକେ ତୋର ଆସିଲା କେତେ ଆସିଲା ଦେଖ, 100 ରୁପିଜ ଆସିଲା, ଏସ୍ ଆଇ ଆସିଲା 100 ରୁପିଜ. ଓକେ ଦେଖୁନ ତୁମର ଇଏ ସରି ଇଏ 10 ଆସିଲା ସରି, ଏ ତୋର 2-0 କଟିଯାଇଥିଲା, 10 ଆସିଲା, ମୁଁ ପୋଟା ଦେଖିଦେଇଥିଲି. ଓକେ ତ ଇଏ 10 ଆସିଲା, ଓକେ କୋଇ ବାତ ନାହିଁ, ଇଏ 10 ରୁପିଆ ତ ଫିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆୟା ସମଝ ମେ ଆୟା କି ନାହିଁ. ଆରେ 5 ମେ କାଟିଏ 5 7 35 5 3 15 73 କାଟ, ये 2-0 काट, ये 10 रहा. ओके 73 से भी काट सकते हैं ना, अरे 73 से भी काट सकते हो लेकिन आंसर 10 आएगा, जैसे भी करो आंसर 10 आएगा, ठीक है. ठीक है रेक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो. ओके सर, हां नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में आया है इन हाउ मेनी इयर्स, यहां पर टाइम फाइंड करना है, यहां पर टाइम फाइंड करना है इन हाउ मेनी इयर्स विल बी सम, ये आपका प्रिंसिपल दिया है कितना 700, सम मीन्स प्रिंसिपल है, यील्ड मैंने प्रोड्यूस्ड, यील्ड मैंने प्रोड्यूस्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 140, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है 140, और आपका और क्या दिया है, रेट दिया है, रेट कितना 5%, आपको यहाँ पर टाइम निकालना है. ओके टाइम का फॉर्मूला पता है, एस आई इंटू 100 ठीक है लास्ट दो जीरो काट दीजिए. अच्छा उसके बाद देखिए 7 1 7 7 2 14, क्या ऊपर करना है, कुछ ऊपर कुछ नहीं है ऊपर में, हमें यहाँ पर टाइम पूछ रहा है हाउ मेनी इयर्स, ये कितना साल टाइम निकालना है, ये साम मैंने प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट 140 दिया, हाँ ये रेट 5%, हमें टाइम निकालना है हाउ मेनी इयर्स,
टाइम का फॉर्मूला ये है, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। आपका एस आई है 140, सिंपल इंटरेस्ट 140, प्रिंसिपल है 700, रेट है 5%। ओके हाउ, ये लास्ट दो जीरो कट हो गया, लास्ट दो जीरो कट हो गया। सेवन रुको, सेवन वन जो सेवन, सेवन टू जो 14, और ये सेवन जीरो जो जीरो, और ये फाइव वन जो फाइव, फाइव फोर जो 20, सब कट गया, फोर आओ, दैट इज 4%। तो आपका सॉरी 4 years टाइम पूछा है, तो 4 years। ओके ये आपका 4 years आया, ठीक है। कौन सा नंबर आपका? ऑप्शन डी है। ओके नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अच्छा अच्छा, 7 नंबर देखिए बच्चे लोग, प्यारे बच्चे लोग देखिए 7 नंबर। यहाँ पर भी टाइम फाइंड करना है, ये टाइम फाइंड करना, हाउ मेनी इयर्स पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी इयर्स में टाइम फाइंड करना है। प्रिंसिपल दिया है 300, आपका जो ये दिया है प्रिंसिपल 300 दिया है। ओके अगेन इंटरेस्ट दिया, एस आई दे दिया 45, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह होगा, और रेट दिया 5%। तो टाइम फाइंड करना, टाइम का फॉर्मूला पता, तो टी का फॉर्मूला टाइम होता है एस आई इंटू 100 डिवाइड पी इंटू आर। जो जो दिया है डाल दीजिए, एस आई कितना बोलिए 300 इंटू 100, प्रिंसिपल बोलिए कितना, प्रिंसिपल बोलिए, प्रिंसिपल आपका नहीं, एस आई आपका कितना है 45 रुपीज, सॉरी एस आई आपका 45 रुपीज, एस आई है 45 रुपीज। कितना रुपये धार दिए थे? 300 रुपया दिए थे, 300, और रेट है आपका 5%, ठीक है। बच्चे का आंसर क्या आया था आपका? अच्छा ठीक है, देखिए मैं डाल दिया, समझ में आया कि नहीं? देखिए एस आई तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट 45, मैं 40 एस आई का बदले 45 लिखा, प्रिंसिपल आपका 300 रुपया सम, तो मैं पी का बदले 300 लिखा। ओके अगेन रुको, अगेन रेट है तुम्हारा 5%। ओके रेट 5%, आर के बदले 5 लिखा, उसे देखिए दो जीरो कट हो जाएगा। देखिए सर थ्री ईयर, सर थ्री ईयर, हो देखिए दो जीरो कट हो जाएगा। रो कुछ को नहीं, मुझे सोलह पर मैं पछाड़ी, दो जीरो कट हुआ, अगेन फाइव वन जा फाइव, ये फाइव नाइन जा 45, फाइव वन जा फाइव, फाइव नाइन जा 45, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, ये थ्री ईयर्स आया। ओके अच्छा, किस क्वेश्चन देखे है नेक्स्ट भी क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3000 आर द 5% अनम बी रुपीज 600। देखिए यहाँ पर इन हाउ मेनी इयर्स पूछा है, तो यहाँ पर टी निकालना है, ओए यहाँ पर टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ऑन रुपीज इतना, प्रिंसिपल आपका 3000 रुपया है। ओके रेट आपका 5% है, और आपका पर एनम 600, हाँ इंटरेस्ट ऑन, हाँ ये आपका इंटरेस्ट है एस आई आपका 600। ओके तो आपको टाइम निकालना है, ओके एस आई आपका 600 है, तो टी का फॉर्मूला डालिए, टी का फॉर्मूला दैट इज एस आई इंटू कितना 100 डिवाइड बाय पी इंटू आर, पी इंटू 100, पी इंटू आर। अच्छा आपका एस आई है 600, प्रिंसिपल है आपका 3000। ओके अगेन रेट है आपका 5%। देखिए लास्ट, यहाँ पर देखिए लास्ट दो जीरो कट हो गया, लास्ट एक जीरो कट हो गया, समझे? लास्ट दो जीरो कट, लास्ट एक जीरो कट, थ्री वन जा थ्री, रुके थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, अगेन ये फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, ऊपर में टू टू जा फोर ईयर्स आया। देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 years है, बी है। ओके सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल, इधर बोलो कितना है प्रिंसिपल, बोलो, अरे प्रिंसिपल बोलो 2000, टाइम बोलो, टाइम बोलो 3 years। ओके 3 years 8 months सर, सिंपल इंटरेस्ट 2000 नहीं, हमें सिंपल इंटरेस्ट काढ़ीबा, हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट काढ़ीबा, रेट दे चुके थे
3% ओके टाइम दे छि तोर केते टाइम दे छि 3 इयर्स 8 मंथ एटा ही प्रॉब्लम अछि देखो इसको टाइम को थे ठीक करो टाइम को करो के 3 होल 8 बाय 12 मैं 12 से क्यों डिवाइड किया टाइम ही थोड़ा दिक्कत है सर 8 मंथ्स क्योंकि हां ओके ये 8 मंथ है इसको ईयर करना है ये 3 होल 8 बाय 12 आएगा टाइम को ठीक करना है थोड़ा ये सब ठीक है प्रिंसिपल ठीक है रेट ठीक है टाइम को थोड़ा ठीक करना है टाइम दिया 3 इयर्स 8 मंथ दिया होए टाइम दिया 3 इयर्स 8 मंथ दिया ओके तो ये आपका क्या देखो 3 इयर्स तो रहेगा 8 मंथ 8 बाय 12 आएगा काट कूट कीजिए काट कूट ये 4 2 जा 8 इसको और भी काट कूट कर सकते हैं 4 2 जा 8 ये 4 3 जा 12 ये तो टाइम आया 3 होल 2 बाय 3 इयर्स उसको थोड़ा इंप्रूव ये करो ये 4 2 जा 8 4 3 जा तो इंप्रूवफ्रैक्शन करो टाइम कितना आएगा देखो 3 जा 9 2 कितना 11 बाय 3 इयर्स थोड़ा टाइम को थोड़ा ये करना है यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है जो 3 इयर्स 8 मंथ 8 मंथ को 3 होल 8 मंथ को 8 बाय 12 आएगा और ये तुम्हारा टाइम को ये करना है 4 में काटिए 4 टू जाए 8 4 थ्री जाए ये 3 होल 2 बाय 3 उसको इम्प्रूवफ्रैक्शन की जो उपयुक्त फंक्शन करो 3 जाए 9 प्लस 2 11 बाय 3 आसीगला तो सिंपलेस्ट इंटरेस्ट काटो ऐसा का फॉर्मूला बोलो बी इंटू आर इंटू टी बाय कितने 100 अच्छा देखिए प्रिंसिपल देखिए आपका 2000 ओके रेट कितना बोलिए रेट 3% ओके रेट है 3% ओके टाइम बोलिए कितना टाइम कितना आया था सबसे इम्पोर्टेंट थ्री और थ्री हाँ थ्री और एट मंथ जो है इसको थ्री होल एट बाई ट्वेल्व मंथ को योर करोगे मंथ को योर करोगे तो बाई ट्वेल्व होगा ओके अगेन ये थ्री होल टू बाई थ्री आएगा इलेवन बाई थ्री आएगा ओके तो टाइम जो है आपका इलेवन बाई थ्री टाइम जो है आपका इलेवन बाई थ्री आएगा ऊपर इलेवन नीचे थ्री ठीक है ये पी है ये आर है आपका 3% आर आपका 3% और टाइम जो है 11 बाय 3 बाय 100 ठीक है अच्छा देखिए इसको 3-3 कट हो जाएगा पहले 3-3 कट होगा ये 3-3 कट होगा इसका 2-0 कट हो जाएगा और ये आपका आ रहा है 11 इंटू 2 20 220 11 इंटू 2 ओके ये आपका 220 आएगा आंसर तो आंसर देखिए आपको यहाँ पर फाइंड करना था सिंपल इंटरेस्ट 220 किस में है सी में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो पहले लिखो क्या क्या दिया ये टाइम कितना दिया रही टाइम कितना दिया 10 इयर्स दिया ओए अच्छा उसके बाद अच्छा देखिए देखिए हो इन्हें 10 इयर्स देखो टाइम 10 इयर्स दिया व्हिच 150 अमाउंट टू रुपीज 200 देखिए उसका प्रिंसिपल है तुम्हारा 150 वो बन जा रहा है अमाउंट 200 बन जा रहा है अमाउंट दे दिया 200 तो इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कौन बोलेगा इंटरेस्ट कितना देखिए हमारे अमाउंट का फॉर्मूला है एस आई प्लस प्रिंसिपल तो अमाउंट 200 बन जा रहा है जब 150 रुपया प्रिंसिपल है तो आपका एस आई आ जाएगा एस आई कितना आएगा कौन बोलेगा इंटरेस्ट कितना आएगा 50 हाँ। और 150 200 माइनस प्लस 150 इधर आके माइनस होगा हाँ, ये सर एक बात ध्यान रखो प्लस इस तरह से माइनस होता है माइनस इस तरह से इक्वल का इस तरह से माइनस का इस तरह से प्लस होता है रुको इनटू इस तरह से डिवाइड होता है डिवाइड इस तरह से इनटू होता है तो प्लस इस तरह से माइनस ये अमाउंट दिया है रुकिए अमाउंट 200 रुपया बन जा रहा है दिख रहा है 150 रुपया प्रिंसिपल दिया था ओए 150 स्क्रीन दिखाओ नहीं स्क्रीन तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम थी वो ओके लिसन ओके देखो ये तुम्हारा
₹200 तुम्हारा अमाउंट हो गया, होय ₹200 अमाउंट हो गया, ₹150 200 बन गया, तो आपका इंटरेस्ट आपका ₹50 हुआ, प्लस 150 तब ले आइए, प्लस 150 इधर माइनस 150, आपका एसआई हुआ, होय 200 माइनस 150 ₹50 आया एसआई, इंटरेस्ट ₹50 आया, तो आपका एसआई भी आ गया, आपका ₹50 आ गया, क्योंकि ₹150 था, ₹50 इंटरेस्ट मिल को अमाउंट ₹200 हो गया। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बोला था, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट ₹50 है, तो व्हाट इज द इंटरेस्ट पूछा है, नहीं नहीं, देन रेट, रेट पूछा है, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट पेटर, देन रेट, आर निकाल रहा है, सर आर निकालने से एसआई 200 बाय हारो कड़े और झारो प्रिंसिपल, आर का फॉर्मूला एसआई इनटू 100 एसआई इनटू 100 पी इनटू टाइम, टाइम ओके, एसआई ₹50 आया, क्योंकि ₹150 जब बांधे तो ₹200 अमाउंट हो गया, मैंने एसआई इंटरेस्ट आपका ₹50 हो गया, ओके ये 15 5.3 इनटू एसआई, एसआई ये सिंपल इंटरेस्ट, देखो ये एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट देखो आपका एसआई है तुम्हारा ₹50, एसआई इनटू 100 प्रिंसिपल कितना ₹150 बांधे, टाइम कितना देखो सर आंसर है ना, टाइम 10 इयर्स, टाइम 10 इयर्स, देखो ये लास्ट जीरो कैसे कटेंगे थोड़ा देखो, ये लास्ट जीरो, ये दो जीरो कट, लास्ट दो जीरो कट, फाइव में काटते हैं, फाइव वन जा फाइव जीरो, ये फाइव थ्री जा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/3%, उसको मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हो, थ्री थ्री जा नाइन, और वन रहा थ्री होल 1/3%, ओके थ्री थ्री जा नाइन, वन रहा थ्री होल 1/3%, कौन सा ऑप्शन में है, डी में, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द रेट, रेट का फॉर्मूला बोलो, रेट का फॉर्मूला assign to 100 assign to 100 by t into t, अच्छा देखिए इंटरेस्ट इधर कितना दिया, इंटरेस्ट दिया 45, एसआई आपका 45 दिया, लिख दीजिए 45 into 100, अच्छा पी दिया देखिए आपका पी 450 और टी तुम्हारा 2, तो पी के बदले में 450 लिख दीजिए, टाइम आपका 2 साल, ओके अभी देखिए ये लास्ट जीरो कट, ऑप्शन आपका ए, एसआई आपका 400, एसआई आपका इंटरेस्ट 45, एसआई आपका 45, प्रिंसिपल आपका 450, टाइम है आपका 2 इयर्स, हमें आर फाइंड करना था, आर का फॉर्मूला है, ओके ये लास्ट जीरो कट, 45 कट, 2 5 10, आपका रेट है 5% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 5% आ गया, अच्छा देखिए ये प्रिंसिपल कौन बोलेगा, प्रिंसिपल कितना डिपॉजिटेड जो बैंक में जो बांधे वो प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल कितना 15,000, ओके हाउ, अच्छा रेट कितना, रेट, रेट कितना 6%, रेट है 6%, लिख दीजिए इधर साइड में, रेट है 6%, अच्छा टाइम कितना, टाइम है 5 इयर्स, ओके हाउ, अच्छा देखिए हमें फाइंड करना है, ही गिव द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ दिस, द इंटरेस्ट ही विल बी गेट, मैंने एस आई फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, द इंटरेस्ट ही विल बी गेट, मैंने एस आई फाइंड करना है, तो एस आई का फॉर्मूला डालिए, सर हम करेंगे, ये पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, प्रिंसिपल है 15,000, रेट है 6%, टाइम है 5 इयर्स, बाय 100, टाइम है आपका 5 इयर्स,
ओके देखिए आपका लास्ट दो जीरो कट हो जाएगा, लास्ट दो जीरो कट होएगा। ये 150 इंटू 56 या 30, 150 इंटू 56 या 30। देखिए दो जीरो दे दीजिए, ये जीरो ये दीजिए, दो जीरो लिख दीजिए। 153 जा 45, 4500। ये दो जीरो लिख दीजिए, 153 जा 45 माने 4500। आपका ऑप्शन ए है। देखे तेरा नंबर, देखिए तेरा नंबर। अच्छा देखो तेरा नंबर बोल रहा है कि द सम पी फाइंड करना है, पी प्रिंसिपल फाइंड करना है। व्हाट इज द सम प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट है इसका 9%, और टाइम है इसका 3 इयर्स। विल यू प्रोड्यूस इतना इंटरेस्ट। एसआई दे दिया है, एसआई दिया है 810। तो पी का फॉर्मूला बोलिए, पी का फॉर्मूला। और पी का फॉर्मूला एसआई इनटू 100 पाई आर, एसआई इनटू 100 पाई पी इनटू आर, एसआई इनटू 100 बाय आपका पी इनटू आर। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना 810 दिया। ओके देखो एसआई, देखो 810 यहाँ पर भी लिखा होगा, 810 आधा सिंपल इंटरेस्ट होगा ना। हाँ तो ऐसा ही आपका कितना 810, ये बोल रहे 810 आधा सिंपल इंटरेस्ट। ओके तो हमें पी निकालना है, और यहाँ पर थोड़ा गलती है, हम लोग टी इंटू आर होगा। ओके टाइम कितना 3 इयर्स, रेट कितना 9%। ये 9 9 9 9 9 81, ये जीरो बचेगा। टी थ्री पे काट दीजिए, थ्री ये 30 3 3 9। ओके 30 × 100 ये आपका आएगा 3, एक में 3 जीरो आएगा, इतना रुपीज। ठीक है कौन सा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी। ओके बच्चों नेक्स्ट क्लास तेरा से